हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आज से हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी का नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अकाउंटेंसी का क्या प्रोसेस है और उसके क्या बेसिस है अकाउंट्स के। आपको मैं बताना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 4 में जो हम शुरुआत करेंगे कुछ बातों की, वो सिमिलर ही होंगी चैप्टर नंबर 1 से, बट यस कुछ डिफरेंस है जो हमें इस चैप्टर में सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इज फॉलोड बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कल्मिनेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें अकाउंटिंग के प्रोसेस डेफिनेशन में अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, क्या वो सेल हुई है, परचेज हुई है, क्या नेचर है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग करते हैं। इसके बाद हम ट्रेल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ याद आया होगा कि सेम तरह की डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी कराई थी। वो जो डेफिनेशन थी वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, जिसमें की अकाउंटिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। बट यस, अगर आपको अकाउंटिंग के प्रोसेस की डेफिनेशन आए, डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 से आए, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। बट अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज अकाउंटिंग या डिफाइन अकाउंटिंग, तो आपको वही डेफिनेशन लिखना है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कराई थी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको चैप्टर 1 में अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था कि किस तरीके की अकाउंटिंग साइकिल होती है। अकाउंटिंग साइकिल में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट हम बनाएंगे इस चैप्टर क्लास 11th में, क्या कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाई जाती है, फिर जनरल एंट्री की जाती है, फिर स्पेशल जनरल की जाती है। इसमें कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल और बिल रिसीवेबल बनाया जाता है। देन जनरल प्रॉपर, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल। बट क्या क्या कहा गया है अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर नंबर 4 में? कहा गया है कि हमने जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरह की हमारी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री के बीच में एक कंसेप्ट आ गया है। कहा गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वाउचर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वाउचर बनाने हैं। तो अब बस यही डिफरेंस है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में और अकाउंटिंग साइकिल में, और सब चीजें सेम ही है, सब चीजें सेम है। बट अब क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, उसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री, फिर लेजर, ट्रेल बैलेंस, बाकी का प्रोसेस सब कुछ सेम है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ वाउचर होगी चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब चलते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, तो आप इस तरीके से करके आएंगे। अगर पूछा जाए कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो आपको वही बताना है जैसे कि मैंने अभी आपको पिछला डायग्राम बना के बताया था। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन की जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर होते हैं। वाउचर एक तरह का एविडेंस है कि भाई जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको हमने सबसे पहले वाउचर में रिकॉर्ड करा है। अब क्या हुआ, वाउचर से हम क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्री करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिन एंट्री। इसके बाद हम करेंगे पोस्टिंग टू लेजर, और लास्ट में हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह का आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस बना के आना है अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो आप सेम अकाउंटिंग साइकिल बना के आइएगा, उसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ वाउचर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।